हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक रिसोर्ट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है हिल्स हिल रिसोर्ट, जो दमन के आगे आप जाओगे तो जैसे ही गुजरात ख़त्म होता है तो तुरंत ही महाराष्ट्र में पड़ेगा। ये जो रिसोर्ट है वो महाराष्ट्र जैसे स्टार्ट होता है वहाँ पे है। वहाँ पे काफ़ी सारा हिली एरिया है, इसलिए उसका नाम हिल्स हिल रिसोर्ट दिया है। ये काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है जहाँ पर आप वीकेंड में जा सकते हो और काफ़ी सारी एंजॉयमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये रिसोर्ट में स्विमिंग पूल है और अदर एक्टिविटी करने के लिए भी काफ़ी सारा एंजॉयमेंट के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटी है। ये जो मैं आपको रूम का टूर करवा रहा हूँ वो डिलक्स रूम है जो फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, बाकी जो स्टैंडर्ड रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। तो ये जो आप देख सकते हो कि डिलक्स रूम कितना अच्छा और वेल स्पेस्ड है, जहाँ पर आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। उसके गैलरी में से आपको स्विमिंग पूल एरिया भी दिखेगा और फ्रंट से गार्डन एरिया देखता है विंडो में से, तो ये काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी आप मानसून में आओगे या समर में आओगे, कभी भी आओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा और एंजॉय भी आप फुल कर सकोगे। काफ़ी ग्रीनरी है क्योंकि यहाँ पे जो है वो फार्म है, जैसे कि चीकू का फार्म है और अनदर काफ़ी सारे जो फ्रूट्स है उसके फार्म है, तो आपको ग्रीनरी काफ़ी अच्छी मिलेगी ये रिसोर्ट में। दूसरा कि यहाँ का फूड है वो भी बहुत अच्छा है और काफ़ी रिजनेबल रेट है, तो आप उसको अफोर्ड भी कर सकोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों के लिए भी ये रिसोर्ट काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये रेस्टोरेंट एरिया है जहाँ पे आप फूड ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। और जैसे ही आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आउटडोर गेम और इंडोर गेम की काफ़ी सारी एक्टिविटी है, स्विमिंग पूल है, या तो आपको कुछ वॉलीबॉल खेलना है या तो बैडमिंटन या कुछ भी खेलना है, तो काफ़ी सारी स्पोर्ट्स भी इधर है तो आप खेल सकते हो। और बच्चों के लिए क्या है कि छोटा सा प्ले एरिया भी है जहाँ पे बच्चे काफ़ी सारी मस्ती कर सकेंगे और काफ़ी सारी जो राइड है वो उसको भी एंजॉय कर सकेंगे। बैठने के लिए झूले हैं और शाम को आप टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये नाइट में भी हर रोज़ इधर डीजे का प्रोग्राम रहता है, तो आप रात को डांस का ही मज़ा ले सकते हो। नज़दीक में ही अपना बोर्डी बीच है जो काफ़ी अच्छा है और ज़्यादातर आदमी इधर लोग इधर आते नहीं है, तो काफ़ी अच्छा बीच है जहाँ पे आप प्राइवेसी भी मेंटेन कर पाओगे और ज़्यादा क्राउडेड नहीं रहेगा तो आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकोगे। तो ये बीच नज़दीक में पड़ेगा।